सबको नमस्कार। दिल्ली में कल रात को 12 बजे तक 6,923 टोटल कोरोना के केस पाए गए हैं। इसमें से 2,069 केस ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी तक टोटल 73 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और इस वक्त 4,781 लोग अभी भी कोरोना का इलाज उनका चल रहा है। तो 6,923 में से 4,781 लोगों का इलाज चल रहा है और 2,069 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। हमने इसको जब एनालाइज किया तो देखा कि 82% लोग जिनकी डेथ हुई है उनमें 82% लोग 50 साल से ज़्यादा उम्र के थे। तो देखने में ये आ रहा है कि बुज़ुर्गों की मौत ज़्यादा हो रही है। मैंने पहले भी कहा था और सभी सरकारें भी बार बार बोल रही है कि हमें अपने बुज़ुर्गों का ख़ास तौर से ख्याल रखना है। सभी बुज़ुर्गों को भी अपना ख्याल रखना है। घर से बाहर घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ बार बार धोएं और जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं लें। आपकी जान हम सब लोगों के लिए बहुत कीमती है। सभी बुज़ुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है। ये जो 6,923 केस पॉजिटिव हुए हैं इनमें केवल 1,300 केस इस टाइम अस्पतालों के अंदर हैं, सॉरी 1,476 केस केवल अभी अस्पतालों के अंदर है। लगभग मोटे मोटे तौर पे 7,000 केस मान लेते हैं पॉजिटिव हुए। 7,000 में से 1,500 के करीब केस जो हैं वो अस्पतालों के अंदर हैं। बाकी सारे केसेस या तो माइल्ड सिम्टम्स हैं और या एसिम्टोमेटिक हैं। और ये 1,500 केस जो अस्पतालों में हैं इनमें भी 91 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं और 27 केस ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे हैं। इनफैक्ट जो जो सीरियस केस हैं एक एक केस पे मैं रोज़ नज़र रखता हूँ, रोज़ उनका पता करता हूँ कि क्या उनको क्या कैसे बचाया जाए। किसी को मरने नहीं देना, अपने को कोशिश ये करनी है कि सब लोग सही सलामत जिंदा ठीक होकर अपने घर लौटें। तो हम ये देख रहे हैं कि अधिकतर केस जो है वो माइल्ड या एसिम्टोमेटिक है। लगभग 75% के करीब केसेस एसिम्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं। उनका अब केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहें तो उनके घर पे भी हो सकता है, उनको अस्पतालों में आने की ज़रूरत नहीं है। उसका अब हम लोगों ने इंतजाम किया है। जो जो लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, जो जो लोग माइल्ड सिम्टम वाले होते हैं, जिनको थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा खांसी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उन सब लोगों के घर पे इलाज का हमने इंतजाम किया है। हमारी टीम उनके घर पे जाती है, उनके पूरे परिवार को बिठा के सब समझाती है कि आपको कैसे करना है। देख के आती है उनके घर पे पहले कि क्या उनके घर में एक अलग कमरा है, क्या उनके घर में एक अलग टॉयलेट है, क्या उनको अलग से घर के अंदर सोशल आइसोलेशन किया जा सकता है। अगर उनके घर में ये सुविधाएं हैं तो फिर उस मरीज को अपने घर में ही उसका इलाज करने की इजाज़त दी जाती है। इसमें इलाज तो है ही नहीं कोरोना में, तो वो अपने घर में ही आइसोलेट हो जाते हैं। डेली हमारी टीम की तरफ से उनको फ़ोन जाता है, लगातार उनके टच में रहते हैं, उनको फ़ोन नंबर दे दिया जाता है। अगर उनको किसी भी तरह की तकलीफ हो तो वो हमसे संपर्क में रह सकते हैं। जिन लोगों के घर में ऐसे होम क्वारंटाइन करने के लिए अलग से कमरा नहीं है, उन लोगों के लिए फिर हम लोगों ने कुछ कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, कोविड हेल्थ सेंटर बनाए हैं। वहाँ पे फिर उन लोगों को हम ले आते हैं, लेकिन और उन लोगों को वहाँ पे हम रखते हैं 13-14 दिन के लिए, जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाते। तो ऐसे कम लोग हैं जो कि सीरियस हैं और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि जिनकी डेथ हो रही है। एम्बुलेंसेस की थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मुझे ये बताया गया था कि कुछ लोगों को फ़ोन करने के बाद एम्बुलेंस की के लिए कुछ कुछ घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है। कल हम लोगों ने आदेश निकाल के, सरकारी एम्बुलेंस तो थी हमारे पास, हमने कई सारी प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस भी सरकारी सेवा में
रिक्विजिशन कर ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने अस्पतालों के लिए काम नहीं करेगी। जो एम्बुलेंस प्राइवेट में थी और जो एम्बुलेंस प्राइवेट अस्पतालों की थी वो वहाँ काम करती रहेंगी, लेकिन अगर उनको फोन जाता है और कोई ड्यूटी सरकारी दी जाती है तो उनको वो सरकारी ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, ये आदेश निकाल दिए गए हैं। तो इससे मुझे उम्मीद है, अब कई एम्बुलेंस हो गई हैं, इससे मुझे उम्मीद है, कल काफ़ी सारी प्राइवेट एम्बुलेंसेज रिक्विजिशन की गई हैं दिल्ली के अंदर, इससे मुझे उम्मीद है कि एम्बुलेंस की दिक्कत अब ख़त्म हो जानी चाहिए। हमारे बहुत सारे ये जो कोविड की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, हमारे नर्सेज लड़ रहे हैं, पुलिस के लोग लड़ रहे हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स लड़ रहे हैं, हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जो लगे हुए हैं, हमारे बहुत सारे आंगनवाड़ी वाले आशा वर्कर्स हैं, बहुत सारे और बहुत सारे लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, और वो अपनी एक तरह से मेहनत कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं करें, और अभी तक कर भी रहे हैं हम लोग। दिल्ली सरकार उसके बारे में बहुत संवेदनशील है और समय समय पे जो भी हो सकता है हम करते हैं। कल हमने आदेश निकाला था कि हमारा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसको कोविड हॉस्पिटल हमने डिक्लेयर किया है, उसके साथ हम लोगों ने 2-3 5-स्टार होटल्स अटैच कर दिए हैं। एक तरह से वो होटल्स भी अस्पताल का हिस्सा बन गए हैं, अस्पताल ने अपनी फैसिलिटीज़ उधर कर दी है। तो अगर कोई भी कोविड वॉरियर, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई टीचर, कोई सिविल डिफेंस वॉलंटियर, इस किस्म के हमारे लोग, अगर कोई भी कोविड वॉरियर बीमार पड़ता है, कोविड हो जाता है उसको, तो उसका इलाज करने के लिए हमने अच्छी व्यवस्था करने के लिए 5-स्टार होटल्स में उसकी व्यवस्था की है। बताइए क्या गलत किया? मुझे तो लगता है कि हमें करना चाहिए, उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करना चाहिए। वो रात दिन 24 घंटे हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान दांव पे लगा के कर रहे हैं। उनको कोविड हो सकता है, अगर उनको कोविड हो जाए तो उनकी उनको ठीक करने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना, फिर पूरे समाज की है, पूरे देश की है। मुझे कल बहुत दुख हुआ जब हमने ये ऑर्डर पास किया तो विपक्ष के लोगों ने इस ऑर्डर का खूब मजाक उड़ाया, इसकी खूब क्रिटिसिज्म किया कि इन लोगों को स्पेशल सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी कोविड से हमारी रक्षा करने वाले कोविड वॉरियर्स को स्पेशल सुविधाएं मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या तकलीफ है अगर 1, 2, 3, 5, 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए इन लोगों को बचाने के लिए? इसमें क्या गलत है? अगर हम 1 करोड़ रुपए कोविड से, अगर किसी भी कोरोना वॉरियर की डेथ होती है और अगर हम उसको 1 करोड़ रुपए दे दें, उसके परिवार को, उसको सम्मान राशि उसके परिवार को मरणोपरांत देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अभी एक पुलिसमैन थे हमारे अमित राणा जी, कुछ दिन पहले कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई, कोरोना से लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई, हमारी रक्षा कर रहे थे। उनके परिवार के लिए मैंने 1 करोड़ रुपये का की सम्मान ऐलान किया, सम्मान राशि का ऐलान किया। इसमें विपक्ष को क्यों तकलीफ है? मेरा सबसे यही निवेदन है कि ये टाइम राजनीति करने का नहीं है, ये टाइम सबको मिलके कोरोना से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, ये समय ये सोचने का है। मेरी सबसे निवेदन है कि राजनीतिक बयानबाजी ना करें, एक दूसरे की मदद करें, सरकारों की मदद करें, समाज की मदद करें और एक दूसरे का साथ दें। मैं देख रहा हूं कि अभी भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, इधर उधर देखता हूं कि प्रवासी मजदूर अभी भी सड़कों के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब उनकी हालत देखते हैं, उनके मैं इंटरव्यूज़ पढ़ता हूं, उनके बयान पढ़ता हूं, कई कई दिनों तक चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, कई कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, घर से जो रोटियां लेके चले थे वो रोटियां ख़त्म हो गई हैं, रास्ते में कोई मदद करने वाला नहीं है, कई लोगों ने अपने कंधे के ऊपर अपने बच्चों को बिठाया होता है। एक आदमी देखा जो अपनी बूढ़ी माँ को अपने गोद में लेके पता नहीं कितने किलोमीटर चल चुका था। बहुत तकलीफ होती है, ऐसे लगता है जैसे पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया, ऐसे लगता है कि हम सारी सरकारें जैसे फेल हो गई हैं। मेरी सब लोगों से निवेदन है, दिल्ली के रहने वाले सब लोगों से निवेदन है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो लोग दिल्ली में दूसरे राज्यों के ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और जो जाना चाहते हैं, हम उनका इंतजाम कर रहे हैं,
अभी तक हमने आपके खाने और रहने का इंतजाम किया हुआ था। मेरी आपसे निवेदन है, पहला निवेदन तो यह, दिल्ली छोड़ के मत जाइए। बहुत जल्दी ये लॉकडाउन अंतहीन तो होगा नहीं, कभी ना कभी तो खुलेगा, जल्दी खुलेगा। सबको नौकरियां भी मिलेंगी, आपको भी नौकरी मिलेगी, सबको काम मिलेगा, सबको मजदूरी मिलेगी। लेकिन अगर कोई फंसे हुए हैं और जाना ही चाहते हैं, हम आपके लिए ट्रेन्स का इंतजाम कर रहे हैं। एक ट्रेन मध्य प्रदेश जा चुकी है, एक ट्रेन हमने बिहार भेजी, अभी और ट्रेन्स का इंतजाम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं, दूसरे राज्यों की सरकारों से भी बात कर रहे हैं। थोड़े दिन इंतजाम कीजिए, लेकिन घर से ऐसे पैदल मत निकलिए, ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है। कुछ लोगों की ट्रेन से कुचल के मौत हो गई, कुछ लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, और इतने इतने दिन पैदल चलना बिना खाए पिए ये भी सही नहीं है। हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, प्लीज़ आप इस तरह से मत निकलिए, हम आपके लिए इंतजाम कर रहे हैं, हम हैं आपका ख्याल रखने के लिए, विश्वास कीजिए। धन्यवाद।